कोरबा जिले में दो पक्षों के मारपीट करने वाले एक ही परिवार के साथ आरोपी को सीएसपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएसीबी चौकी क्षेत्र अंतर्गत देवरा घाट निवासी सोनू ने सीएसीबी चौकी में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम 5 बजे उसके भाई को देवरा घाट नहर के पास पुराने विवाद को लेकर भोलू केवट मन टिकरी और घर के अन्य सदस्य ने मिलकर हाथ और डंडों से मारपीट किया है तथा बीच बचाव करने पर प्रार्थी से भी मारपीट किया। पीड़ित की रिपोर्ट आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पर लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई कर मारपीट करने वाले सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया, जिसमें से अपचारी बालक को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया। बताएं क्या मामला था? ये दिनांक 7 जून का मामला था। गेरवा घाट निवासी सोनू मलिक ने आके प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई थी कि उसके मोहल्ले के रहने वाले राम लखन केवट और उसके परिवार वालों ने मिलकर उसके ऊपर जानलेवा हमला किया है, जिसमें प्रार्थी को काफी चोटें आई थी। तत्काल पंजीबद्ध कर विश्राम लिया गया था। बाद में डॉक्टर साहब की रिपोर्ट के आने के बाद इसमें धारा 324 और 2527 आम से जोड़े जाकर अभी 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें क्या नाबालिग भी शामिल है और जो विवाद हुआ था, विवाद का कारण क्या था? इसमें एक बालक अपचारी है, एक लड़की वो भी नाबालिग है, एक महिला की गिरफ्तारी की गई है, 4 पुरुष है। इसमें टोटल कितनी गिरफ्तारी की गई? 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की। विवाद का कारण क्या सामने आया? कुछ इनका पारिवारिक मामला था, निजी विषय है, ऐसा बताना संभव नहीं है।